भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोकतंत्र को साकार रूप में देखा जाता है। राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण आज लोकतंत्र में एक गंभीर समस्या है। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम राजनीतिक अपराधीकरण की समस्या के कारण व निवारण पर चर्चा करेंगे। राजनीति में अपराधी और आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों की भागीदारी जब बढ़ने लगती है तो इसे ही राजनैतिक अपराधीकरण कहा जाता है। आसान भाषा में कहा जा सकता है कि जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं तो राजनैतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। कड़वा है लेकिन सच है कि आज जिस राजनीतिक दल में जितने ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार होते हैं उनके चुनाव जीतने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन राजनेताओं द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों को भी संदर्भ में अनदेखा नहीं किया जा सकता। साल 1993 में वोहरा समिति की रिपोर्ट ने पुष्टि किया कि भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि साल 2004 में 24%, 2009 में 30%, 2014 में 34% और 2019 में 43% संसद सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। आपको बता दें कि नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ABR ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गंभीर आपराधिक मामले वाले सदस्यों की संख्या 2009 में 76 थी, जो 2019 में बढ़कर 159 हो गई। गंभीर अपराधों में बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि को शामिल किया जाता है। राजनीतिक अपराधीकरण के कारणों पर गौर करें तो सत्ता की हनक किसी को भी ऐसे अपराध करने पर मजबूर कर देती है। आज भी भारत में चुनाव विकास के मुद्दे पर कम, धर्म और जाति के नाम पर ज़्यादा लड़े जाते हैं। ऐसे में कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। आपको भी मालूम होगा कि चुनावी राजनीति कमोबेश पार्टी फंड पर निर्भर होती है और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास धन और बाहुबल दोनों होता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देने में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में होने वाला विलंब भी एक बड़ा कारण है। भले ही चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित मामले और सजा आदि का खुलासा किए जाने का प्रावधान किया हो, लेकिन ये प्रावधान सफल नहीं हो पाए। सभी कारणों के बावजूद तो राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान नागरिक समाज का ही है। अक्सर आम जनता किसी उम्मीदवार के बारे में बिना किसी जानकारी के ही उसके धनबल और बाहुबल से प्रभावित होकर वोट करती है। भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों की तो बात करना ही गलत होगा, क्योंकि राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करने के लिए उम्मीदवारों के अपराधीकरण की कभी जांच ही नहीं करते। राजनीतिक अपराधीकरण के ये सब कारण न सिर्फ लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि चुनाव में अधिक से अधिक धन खर्च करना, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और समाज में हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाने के साथ साथ भावी प्रतिनिधियों को भी एक गलत उदाहरण देते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण के संदर्भ में अनेक न्यायिक निर्णय और समितियों का गठन किया गया। समितियों में साल 1990 में गठित दिनेश गोस्वामी समिति, 1993 में गठित वोहरा समिति, 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता समिति, 1999 में आई विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, साल 2002 में MN वेंकट चलैया समिति आदि महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने और चुनाव सुधार के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर प्रयास किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 1974 में कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला के केस में कहा कि उम्मीदवार के चुनावी प्रचार पर होने वाले खर्च को निर्धारित किया जाए। साल 2002 में भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के ऐतिहासिक वाद में निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संसद, राज्य विधानसभा या नगर निगम के चुनाव में उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी।
साल 2005 में रमेश दलाल बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने कहा कि संसद या विधायक को दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा और अदालत द्वारा 2 वर्ष से कम कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। साल 2017 में न्यायालय ने प्रत्याशियों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की अनिवार्यता पर जोर देते हुए राजनेताओं पर चल रहे आपराधिक मामलों के सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का आदेश दिया। साल 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवारों की संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों और पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल में प्रकाशित होनी चाहिए। वर्तमान में आवश्यकता है कि राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए संसद किसी कानून का निर्माण करे और साथ ही साथ देश की जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।